हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनीषा, स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है VDRL यानी कि विनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। इस टेस्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि VDRL टेस्ट क्या होता है, किसके लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। स्टार्ट करते हैं VDRL टेस्ट। तो VDRL टेस्ट क्या होता है फ्रेंड, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम समझते हैं। देखो, VDRL का फुल फॉर्म सबसे पहले आप जानो कि VDRL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो VDRL का मतलब होता है विनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि VDRL का फुल फॉर्म क्या होता है। इस टॉपिक में से चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं साथ साथ में स्टार लगाती जाऊंगी। अब देखिए, विनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि VDRL टेस्ट को सबसे पहले कहां पर इन्वेंशन किया गया था, तो न्यूयॉर्क में इन 1945 में इसको सबसे पहले इन्वेंशन इसका हुआ था, न्यूयॉर्क में इन 1945 में। अब देखो, VDRL टेस्ट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं पहले। तो VDRL यानी कि विनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो एक तरह का सीरोलॉजिकल टेस्ट है। क्या है? एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब आपस में बाइंड होते हैं तो वहां पर रिएक्शंस होती है। जैसे कि आपने कभी ब्लड ग्रुप लगाया है तो ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में बाइंड होते हैं और वहां पर रिएक्शंस होती है। तो उस रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस। इसी प्रकार जैसे कुछ रिएक्शंस होती है एंटीजन एंटीबॉडी की, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो यहां पर जो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस हो रही है उसको हम कहते हैं फ्लॉक्यूलेशंस। देखो, ये एक तरह का सीरोलॉजिकल टेस्ट है, इतना तो हमें समझ में आ गया। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का काम है। फ्लॉक्यूलेशंस, मैंने आपको बताया कि जब इन एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस होती है तो वहां पर फ्लॉक्यूल्स बन जाते हैं, क्लम्प्स बनते हैं। इसीलिए इस टेस्ट को फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट भी कहा जाता है। और यहां पर भी आप स्टार लगा लीजिए, फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, फोकस के साथ ध्यान रखना कि VDRL टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं। इतना तो आपको समझ में आएगा कि सीरोलॉजी ऑफ फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट आप किसके लिए यूज करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। किसके लिए यूज किया जाता है? सिफिलिस। सिफिलिस की एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा सिफिलिस के बारे में जानते हैं कि सिफिलिस क्या होता है। सिफिलिस के बारे में समझना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम VDRL टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हमें सिफिलिस के बारे में पता होना चाहिए। देखो, सिफिलिस एक तरह की बहुत ही गंभीर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मतलब कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। अगर किसी पर्सन को सिफिलिस है, उसी के साथ अगर आपने फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाया है, तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है। ये मदर से बच्चे में भी ट्रांसमिट होती है। अगर मां को इन्फेक्शन है, सिफिलिस है, तो बच्चे को हो सकती है। ब्लड टू ब्लड भी ट्रांसफ्यूज हो सकती है। किसी पर्सन को अगर सिफिलिस है, उसका ब्लड अगर आपने चढ़ा दिया किसी पर्सन को, तो उसको भी सिफिलिस हो सकती है। यह पिक्चर आप यहाँ पर देखिए, सिफिलिस में कुछ इस तरीके के लाल लाल चकते, रैशेस, इस तरीके की स्वेलिंग। देखो, ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, हमें देखने में ही डर लग रहा है। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो सिफिलिस के अंदर हो जाती है। और इसी टेस्ट, इसी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए हम VDRL टेस्ट लगाते हैं। कौन सा टेस्ट लगाते हैं? VDRL टेस्ट लगाते हैं। और ये तो हमने जान लिया कि सिफिलिस क्या है, अब जानिए कि सिफिलिस जो है वो किसके द्वारा कोज होता है। ये बीमारी किसी के द्वारा तो होती होगी, तो ये बीमारी कोज होती है एक बैक्टीरिया के द्वारा, जिस बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पॉलिडम। क्या नाम है? ट्रेपोनेमा पॉलिडम उस बैक्टीरिया का नाम है, जो कि एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जो हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ते हैं, तो उसमें आपका ये जो बैक्टीरिया है वो एक तरह का क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़े हैं, लेकिन आपने कोकाई और बैसिलाई भी पढ़ी होगी। पढ़ी है ना, सभी ने पढ़ी है कोकाई और बैसिलाई। तो ये जो ट्रेपोनेमा पैलिडियम है वो एक तरह का क्या है? स्पाइरोचिट्स है। क्या है? स्पाइरोचिट्स है।
स्पाइरोचिट्स है जो कि इस तरीके का आपको जिगजैग शेप में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम कोकाई देखें तो ऐसी दिखती है, बेसिलाई देखें तो ऐसी दिखती है, और स्पाइरोचिट्स हमें इस तरीके से जिगजैग शेप में दिखते हैं जो कि मूवेबल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देखो इनका शेप जरा गौर से ऐसा ही दिख रहा है ना कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है आसानी से। तो अगर इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे डायरेक्टली तो बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप पे इसको देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसको देखने को मिलेगा। तो ट्रेपोनेमा पेरिडियम एक स्पाइरोचिट से एक बैक्टीरिया है जो कि कौन सी बीमारी कोस करता है, सिफिलिस, और इसके डायग्नोसिस के लिए हम VDRL टेस्ट करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको सिफिलिस के बारे में इतना समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने अभी आपको बताया इस पर आप स्टार लगा लीजिए। अब प्रिंसिपल VDRL टेस्ट पर हमारे जो टेस्ट है उस पर आते हैं, फोकस करते हैं कि VDRL टेस्ट का प्रिंसिपल क्या कहता है, कैसे ये प्रिंसिपल काम करता है। VDRL टेस्ट जो है मतलब कि कोई भी पेशेंट अगर सिफिलिस से गुजर रहा हो, अगर उस पर्सन को सिफिलिस है तो वहां पर क्या होगा, आपकी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। मीन्स देखो कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, कोई भी एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है, हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो आपका जो भी एंटीजन मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया है तो उससे फाइट करता है, उससे लड़ता है। तो लड़ने के लिए आपके इम्यून सिस्टम में शक्ति होनी चाहिए। अब आपने बचपन में बॉर्नविटा पिया है क्या या नहीं पिया है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने पिया है उसकी एंटीबॉडी पक्का अच्छे से काम करती होगी। ओके, मैं मजाक कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि करती हो। ओके, तो कहां बात कर रहे थे कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में क्या, नहीं सॉरी, एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी बनती है ना इस एंटीजन के अगेंस्ट, वो स्पेसिफिक होती है। जैसे कि हर एक ताले के लिए एक चाबी स्पेसिफिक होती है, वैसे ही एंटीजन के लिए एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है। मतलब कि ये एंटीबॉडी आपके ट्रेपोनेमा बैक्टीरिया के लिए बनी है। अगर कोई भी विब्रियो, विब्रियो भी एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है, अगर विब्रियो के लिए बनी तो विब्रियो के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी। इसी प्रकार यहाँ पर इसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनी है। तो इस स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को सिफिलिस है या नहीं, उसके अंदर ट्रेपोनेमा पॉलिडियम बैक्टीरिया है या नहीं। तो आपको समझ में आया कि हमने इसमें क्या किया, जिस पर्सन के अंदर सिफिलिस है वो उसकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और इस एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करेंगे। अब इस एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट कर रहे हैं मतलब कि हम डायरेक्टली यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर एंटीबॉडी के द्वारा पता लगा रहे हैं। इसीलिए इस टेस्ट को हम इनडायरेक्ट टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टेस्ट कहते हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली हम पता लगा रहे हैं कि उसको सिफिलिस है या नहीं है। इनडायरेक्ट के साथ साथ ये एक तरह का नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि अगर किसी पर्सन का सिफिलिस पॉजिटिव आता है तो फिर उसके लिए हमें कंफर्मेटरी टेस्ट लगाने पड़ते हैं, जैसे कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगी लास्ट में। थोड़ा आगे आती है बात हमारी, अभी यहाँ पर हमारा बाकी रह गया है कि प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद उस एंटीबॉडी को हम रिएक्ट करवाएंगे कार्डियोलिपिन एंटीजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? कार्डियोलिपिन एंटीजन। और ये जो एंटीजन है आपका, यही वाला एंटीजन है। अब इसको कार्डियोलिपिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लिपिड मिला देते हैं इसलिए, बाकी ये यही वाला एंटीजन है। तो इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी स्पेसिफिक होगी। तो जब इस स्पेसिफिक एंटीजन और स्पेसिफिक एंटीबॉडी को हम मिला देते हैं तो वहां पर क्या बन जाते हैं, फ्लॉक्यूल्स बन जाते हैं, और उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेते हैं। आई होप आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए CSF एंटीबॉडी क्या है। CSF एंटीबॉडी मतलब कि अगर किसी पर्सन को न्यूरोसिफिलिस हो जाती है तो न्यूरोसिफिलिस के डायग्नोसिस के लिए फिर हम क्या करते हैं, CSF का कलेक्शन करते हैं, और CSF का कलेक्शन करके जो CSF में के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है उस एंटीबॉडी को हम डायग्नोस करते हैं। तो वो हम VDRL टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हमने एंटीजन यूज किया है उस एंटीजन के अंदर क्या है। ओके, तो एंटीजन के बारे में जानते हैं कि जो एंटीजन हम यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, कार्डियोलिपिन। सबसे पहले तो ये समझिए कि इसको हम कहते हैं कार्डियोलिपिन एंटीजन। अब देखो इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर कंपोजिशन क्या होती है। पहली होती है आपकी 0.03% कार्डियोलिपिन और 0.9% होता है आपका कोलेस्ट्रोल। अब कोलेस्ट्रोल मतलब कि लिपिड एड है, इसीलिए इसको हम कार्डियोलिपिन कह रहे हैं। उसके बाद होता है आपका 0.21%
लेसिथिन्स और विच इज अ लिपोपॉइडल एक्सक्रेटेड फ्रॉम बीफ हार्ट, यानी कि बीफ हार्ट से इसको एक्सक्रेट किया जाता है और इसको प्रिपेयर किया जाता है, जिसे हम कार्डियोलिपिन एंटीजन कहते हैं। तो देखो इमेज में यहाँ पर बताती हूँ कि कुछ इस तरीके का आपका ये एंटीजन होता है, इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। देखो ये आपका है एंटीजन, ये वाला जो आपकी छोटी सी डब्बी दिखाई दे रही है ये आपका एंटीजन है। इसमें एक पॉजिटिव कंट्रोल, एक नेगेटिव कंट्रोल और एक बफर आता है। तो ये इस तरीके का रिएजेंट जो है वो किट के साथ में आता है। किट के साथ में सारी चीजें होती है, लिटरेचर वगैरह, रिएजेंट, इसमें स्लाइड्स वगैरह सारी चीजें होती है। तो जब भी कोई टेस्ट लगाओ उसका लिटरेचर जरूर पढ़े, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस हम जो बुक में पढ़ते हैं उसमें से थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो कंपनी के अकॉर्डिंग किट में अलग हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनली वीडीआरएल के रिएजेंट के बारे में। अब हम इसकी प्रोसीजर के बारे में समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि स्पेसिमेन हमें क्या लेना है, मतलब कि हम ये टेस्ट लगा रहे हैं तो किससे लगाएंगे, ब्लड से लगाएंगे, सीरम से लगाएंगे, कुछ तो चाहिए हमें। तो स्पेसिमेन क्या चाहिए, स्पेसिमेन के बारे में देखते हैं। स्पेसिमेन में हमें यहाँ पर चाहिए कि ये जो हमारी ब्लड की वायल है, हमने ब्लड कलेक्ट किया, ब्लड कलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि इस ब्लड को हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूज करेंगे इसको हम, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा क्या, सीरम्स, नीचे आपकी सेडिमेंट्स हो जाएगी, सेल्स। तो इस सीरम को हमें यूज करना है, लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि वीडीआरएल में जो हम सीरम यूज करते हैं वो सीरम हमारा क्या होता है, उसको हमें इनएक्टिवेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिवेट करना पड़ेगा हीट के द्वारा 56 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए हम उसको 56 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और उसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखो वीडीआरएल और आरपीआर, आरपीआर भी है जो भी की वीडीआरएल, सॉरी आरपीआर जो है वो भी वीडीआरएल टेस्ट की तरह ही है, जो कि सिफिलिस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है, बाकी सारी प्रोसीजर एंटीजन सभी में डिफरेंस इतना सा है कि जो आरपीआर टेस्ट है, आरपीआर में हम जो सीरम है उस सीरम को इनएक्टिवेट नहीं करते हैं, इसमें हम प्लाज्मा भी यूज कर सकते हैं, और इनएक्टिवेट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी प्रोसीजर जो होती है वो सेम होती है। इसके अलावा एक और है कि आरपीआर में हम जो सीएसएफ एंटीबॉडी होती है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें फिर वीडीआरएल टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें जो है इसके अंदर सेम होती है। अब इसकी प्रोसीजर जानते हैं कि कैसे इस टेस्ट को लगाया जाता है। तो देखो प्रोसीजर जो है आपकी, प्रोसीजर में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वीडीआरएल स्लाइड आती है इस तरीके की, किट के साथ में आती है, तो ये इस तरीके की स्लाइड आती है जिसके अंदर सर्कल बने हुए होते हैं इस तरीके के। इन सर्कल में हमें 50 माइक्रोलीटर जो इनएक्टिवेटेड सीरम है वो डालना है। तो क्या करना है, 50 माइक्रोलीटर तो हमारा जो इनएक्टिवेटेड सीरम है वो हम डालेंगे और एक ड्रॉप हमें एंटीजन की डालनी है। जब इस एक ड्रॉप एंटीजन को हम डालेंगे तो क्या होगा, वहां पर रिएक्शन हो जाएगी, दोनों आपस में मिलेंगे। तो इतना आपने कर लिया, उसके बाद में आपको इस वीडीआरएल की स्लाइड को 4 मिनट के लिए मैकेनिकल रोटेटर पर रखना है, जो कि उस स्लाइड को इस तरीके से घुमाएगा, ठीक है। तो उसे हमें 180 आरपीएम पर रखना है, जो हमारा रिसोल्यूशन पावर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 180 आरपीएम पर हमें रखना है, उसको रोटेट करना है और उसके बाद ऑब्जर्व कर लेंगे द रिजल्ट अंडर 10x ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विथ स्टेज, यानी कि हमें इसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पर 10x पर ऑब्जर्व कर लेना है। ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेंगे कि उसमें आपको फ्लोक्यूल्स यानी कि छोटे छोटे क्लम्प्स आपको ऑब्जर्व होंगे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि रिजल्ट में आपको कैसा दिखेगा, ठीक है। इतनी सारी प्रोसीजर आपने कर ली, उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो ऑब्जर्वेशन में हमें सबसे पहले देखना है कि नॉन रिएक्टिव, अगर आपको कोई क्लम्प्स नहीं दिखाई दे रहे तो उसे हम कहेंगे नॉन रिएक्टिव। तो यहाँ पर जो है हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देते हैं, यहाँ पर हम नॉन रिएक्टिव और रिएक्टिव देते हैं। तो देखो नो क्लम्पिंग आर सीन्स, आपको इस तरीके की अगर कोई क्लम्पिंग यहाँ पर नहीं सीन हो रही है तो उसको हम नॉन रिएक्टिव कहेंगे। अगर आपको वहां पर मीडियम और लार्ज क्लम्पिंग दिखाई दे रही है इस तरीके की तो उसको हम कहेंगे रिएक्टिव। तो अगर ये आपको इस तरीके से कम क्लम्पिंग दिखाई दे रही है, क्लम्प फ्लॉक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम कहेंगे वीकली रिएक्टिव, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग जो है वो क्लम्प दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव। यही वाली सारी चीजें आपने लिखी है यहाँ पर,
कि लार्ज क्लम्प दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम स्ट्रांगली रिएक्टिव कहेंगे, और अगर स्मॉल क्लम्प्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम वीकली रिएक्टिव कहेंगे। देखिए इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसके अंदर आपके सारे एंटीजन और ये सब कुछ दिखाया गया है। एक मिनट मैं इसको इस तरीके से बताती हूँ। देखिए ये यहाँ पर ये आपके सारे एंटीजन है, ये एंटीजन है, और ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल है, और ये आपके वीडीआरएल की स्लाइड है। इसमें ये सारी चीजें वापस से दी हुई है, रिएक्टिव वीकली, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव आपको कब देना है। तो ये फाइनली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं इसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड को, तो हमें पता चल जाता है कि उस पर्सन को सिफिलिस है या नहीं है। अब देखो इस वीडीआरएल टेस्ट करने के बाद हमें कंफर्मेटरी टेस्ट भी करवा सकते हैं, मतलब कि अगर किसी पर्सन का सिफिलिस पॉजिटिव आया है तो उसके बाद में हमें कंफर्मेटरी टेस्ट अगर करवाना है तो हम कौन से टेस्ट करवाते हैं। तो मेनली इसके लिए हम ट्रिपोनेमा पॉलिडियम यानी कि स्पाइरोचर्स के लिए एक तो टीपीएच टेस्ट लगाते हैं, और एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है एफटीएएबीएस। क्या नाम है? एफटीएएबीएस टेस्ट जो है वो एक तरह का कंफर्मेटरी टेस्ट है। और उसके अलावा अगर आपको माइक्रोस्कोपी करनी है, आपको अगर उस बैक्टीरिया को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है, तो उसके मतलब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के द्वारा आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसमें आपको बैक्टीरिया जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो ये आपका स्पाइरोचिट है, ये आपके कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है आज वीडीआरएल टेस्ट। वीडीआरएल टेस्ट के बारे में हमने समझा कि वीडीआरएल टेस्ट क्या होता है, किसके लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।